इस वीडियो में आपको इस पाठ में आए प्रश्नों के लिखित उत्तर मिलेंगे। नमस्कार सभी को, हिंदी कला केंद्र में आपका स्वागत है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो पहले इसको सब्सक्राइब करें व बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि नए वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। अकबरी लोटा। बच्चों, इस कहानी को हमने इसके भाग एक में पढ़ा व समझा था। अब इसके अभ्यास प्रश्नों को देखते हैं। कहानी की बात, लाला ने लोटा ले लिया, बोले कुछ नहीं, अपनी पत्नी का अदब मानते थे। लाला झाऊलाल को बेढंगा लोटा बिल्कुल पसंद नहीं था, फिर भी उन्होंने चुपचाप लोटा ले लिया। आपके विचार से वे चुप क्यों रहे, अपने विचार लिखिए। तो सबसे पहले बच्चों, आपको मुझे कमेंट बॉक्स में अदब शब्द का अर्थ बताना है। लाला झाऊलाल को वो बेढंगा लोटा बिल्कुल पसंद नहीं था, फिर भी उन्होंने लोटे को चुपचाप ले लिया, क्योंकि लाला जी अपनी पत्नी का सम्मान करते थे, साथ ही वे अपनी पत्नी के स्वभाव से परिचित थे। उन्हें डर था कि वे अब तक पैसों का इंतजाम नहीं कर पाए हैं, पत्नी अगर भड़क गई तो जो ये अभी लोटे में पानी मिला है, बाद में कहीं भोजन बाल्टी में ना करना पड़े। कहने का अर्थ है कि लाला जी बात को आगे बढ़ाना नहीं चाहते थे। लाला झाऊलाल जी ने फौरन दो और दो जोड़कर स्थिति को समझ लिया। आपके विचार से लाला झाऊलाल ने कौन कौन सी बातें समझ ली होंगी? तो सबसे पहले तो जानते हैं, दो और दो जोड़कर स्थिति को समझ लेने से तात्पर्य है, या उसका अर्थ है कि वर्तमान स्थिति को समझ लेना या किसी परिस्थिति को भांप लेना। लोटा गिरने के साथ ही गली में शोर मच गया और लाला जी के आंगन में भीड़ एकत्र हो गई। एक अंग्रेज को पूरा भिगा हुआ वह अपने एक पैर को सहलाते देख लाला झाऊलाल समझ गए कि ये सब लोटे की ही देन है। अंग्रेज के सामने बिलवासी जी ने झाऊलाल को पहचानने तक से क्यों इनकार कर दिया था? आपके विचार से बिलवासी जी ऐसा अजीब व्यवहार क्यों कर रहे थे, स्पष्ट कीजिए। अंग्रेज के सामने बिलवासी जी ने झाऊलाल को पहचानने से इनकार कर दिया ताकि अंग्रेज का क्रोध शांत हो सके, और साथ ही अंग्रेज को लाला झाऊलाल और बिलवासी जी की दोस्ती का भी पता न चल सके। साथ ही बिलवासी जी ने रुपयों का इंतजाम करने की योजना भी बना डाली, इसलिए बिलवासी जी ऐसा अजीब व्यवहार कर रहे थे। बिलवासी जी ने रुपयों का प्रबंध कहाँ से किया था, लिखिए। तो बिलवासी जी ने रुपयों का प्रबंध दो तरीके से किया। पहली बात, बिलवासी जी ने रुपयों का प्रबंध अपनी पत्नी के संदूक से चोरी करके किया था, और एक बार बाद में उसने अंग्रेज को बेवकूफ़ बनाकर लोटे के बदले रुपयों का प्रबंध करवा दिया। आपके विचार से अंग्रेज ने यह पुराना लोटा क्यों खरीद लिया? आपस में चर्चा करके वास्तविक कारण की खोज कीजिए और लिखिए। जब बिलवासी जी ने लोटे को इतना ऐतिहासिक व महत्वपूर्ण बताया तो अंग्रेज की आंखों में लालच आ गया, साथ ही वो बिलवासी जी की बातों में भी आ गए, साथ ही उसे पुरानी व ऐतिहासिक चीज़ों को एकत्र करने का शौक भी था। वह अपने पड़ोसी डगलस की डींगे सुन सुनकर पक गया था और उस अकबरी लोटे को दिखाकर उसे चिढ़ाना चाहता था। इन सब बातों को सोचकर मेरे विचार से अंग्रेज ने वह पुराना लोटा खरीद लिया। अनुमान और कल्पना। इस भेद को, भेद यानी इस राज को, मेरे सिवाय मेरा ईश्वर ही जानता है, यानी इस राज को मेरे सिवा सिर्फ भगवान ही जानता है, आप उसी से पूछ लीजिए, मैं नहीं बताऊंगा। बिलवासी जी ने यह बात किससे और क्यों कही, लिखिए। तो ये हमने कहानी से जाना कि बिलवासी जी ने यह बात लाला झाऊलाल से कही। क्यों कही? क्योंकि बिलवासी जी ने रुपयों का प्रबंध अपनी पत्नी को बिना बताए उनके संदूक से चोरी कर किया था।
इस रहस्य को वह लाला झाऊलाल के सामने खोलना नहीं चाहते थे। उस दिन रात्रि में बिलवासी जी को देर तक नींद नहीं आई। समस्या झाऊलाल की थी और नींद बिलवासी की उड़ी तो क्यों, लिखिए। क्योंकि झाऊलाल के लिए बिलवासी जी ने अपनी पत्नी के संदूक से रुपए चोरी किए थे। अब वे अपनी पत्नी के सोने की प्रतीक्षा में थे ताकि वह उनके रुपए चुपके से वापस संदूक में रख दें। इसलिए समस्या झाऊलाल की थी और नींद बिलवासी की उड़ी थी। लेकिन मुझे इसी जिंदगी में चाहिए, अजी इसी सप्ताह में ले लेना। सप्ताह से आपका तात्पर्य 7 दिन से है या 7 वर्ष से? झाऊलाल और उनकी पत्नी के बीच की इस बातचीत से क्या पता चलता है, लिखिए। झाऊलाल और उनकी पत्नी के बीच की इस बातचीत से निम्न बातें उजागर होती हैं, यानी कुछ इस तरह की बातें सामने आती हैं। झाऊलाल की पत्नी को बिल्कुल यकीन नहीं था कि उसे रुपए मिल जाएंगे। झाऊलाल ने भूतकाल में भी अपनी पत्नी से ऐसे वादे करके उन्हें पूरा नहीं किया होगा। झाऊलाल जल्दी से किसी को रुपए नहीं देता था। क्या होता यदि अंग्रेज लोटा न खरीदता? तो बिलवासी जी को अपनी पत्नी के संदूक से चुराए हुए रुपए लाला झाऊलाल को देने पड़ते। यदि अंग्रेज पुलिस को बुला लेता तो शायद लाला झाऊलाल को गिरफ्तार कर लिया जाता या उन्हें जुर्माना देना पड़ता। जब बिलवासी अपनी पत्नी के गले से चाबी निकाल रहे थे तभी उनकी पत्नी जाग जाती, तब क्या होता? तो बिलवासी की पत्नी का उस पर से विश्वास उठ जाता और वह भविष्य में अपनी चाबी संभाल कर रखती, क्योंकि फिर वह अपने पति पर विश्वास या भरोसा नहीं करती। साथ ही उनको अपनी पत्नी के सामने शर्मिंदा भी होना पड़ता। पता कीजिए, अपने वेग में उल्का को लज्जाता हुआ वह आँखों से ओझल हो गया। ये बात किसके लिए थी, ये बात आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताना। उल्का से भी तेज गति के साथ जाता हुआ आँखों के सामने से ओझल हो गया, यानी गायब हो गया। उल्का क्या होती है? उल्का और ग्रहों में कौन कौन सी समानताएं और अंतर होते हैं, तो सबसे पहले हम जानते हैं उल्का क्या होती है। आकाश में कभी कभी एक ओर से दूसरी ओर अत्यंत वेग से जाते हुए अथवा पृथ्वी पर गिरते हुए जो पिंड दिखाई देते हैं उन्हें उल्का कहते हैं, और साधारण भाषा में इनको टूटते हुए तारे या लुका कहते हैं। उल्काओं का जो अंश वायुमंडल में जलने से बचकर पृथ्वी तक पहुंचता है तो उसे उल्का पिंड कहते हैं। अब उल्का और ग्रहों में समानताएं देखते हैं। उल्का और ग्रह दोनों ही चमकते हैं, दोनों एक जैसे पदार्थों से बने होते हैं। ये ग्रह हैं और ये उल्काएं। अब इनमें अंतर क्या है? ग्रह अपनी धुरी यानी अपने निश्चित ऑर्बिट में घूमते हैं, जबकि उल्काओं की कोई निश्चित धुरी नहीं होती। ग्रह सूर्य के इर्द गिर्द शक्तिशाली गुरुत्वाकर्षण की वजह से घूमते हैं, जबकि उल्काओं का सूर्य के प्रति गुरुत्वाकर्षण बहुत कम होता है। इस कहानी में आपने दो चीज़ों के बारे में मज़ेदार कहानियाँ पढ़ी, अकबरी लोटे की कहानी और जहांगीरी अंडे की कहानी। आपके विचार से ये कहानियाँ सच्ची हैं या काल्पनिक? तो मेरे विचार से ये दोनों ही कहानियाँ काल्पनिक हैं। अपने घर या कक्षा की किसी पुरानी चीज़ के बारे में ऐसी ही कोई मज़ेदार कहानी बनाइए। तो बच्चों, आपको अपनी किसी पुरानी चीज़ जो घर में हो या आपके स्कूल में हो उसके बारे में कोई मज़ेदार कहानी बनानी है। कहानी सच्ची भी हो सकती है और काल्पनिक भी। जैसे एक बार मेरे चाचा जी बाज़ार से गुजर रहे थे कि उनकी नज़र कबाड़ी की दुकान पर रखी एक बहुत ही सुंदर हाथ से बनी पेंटिंग पर पड़ी। हालांकि उसका फ्रेम टूट चुका था, शायद इसीलिए वो कबाड़ी के पास पहुंची होगी। चाचा जी ने थोड़ा मोल भाव करके
उसे 200 रुपए में ख़रीद लिया और सीधा ले गए नया फ्रेम लगवाने। बस फिर क्या था, मानो पेंटिंग को तो नया जन्म ही मिल गया। आज तकरीबन 10 साल से तो मैं उस पेंटिंग को देख रही हूँ और शायद हमारे घर में आने वाला हर इंसान उसके बारे में ज़रूर पूछता है। और आपको हैरानी तो तब होगी जब चाचा जी कहते हैं कि उन्होंने उस पेंटिंग को अपने कॉलेज के दिनों में देहरादून में अपने हाथों से बनाई थी। बिलवासी जी ने जिस तरीके से रुपयों का प्रबंध किया, वह सही था या गलत? तो बच्चों, हमने कहानी में देखा कि बिलवासी जी ने 2 बार रुपयों का प्रबंध किया। बिलवासी जी ने जिस तरीके से रुपयों का प्रबंध किया वह गलत था। पहली बार तो उन्होंने अपनी पत्नी को बिना बताए चोरी से लाए, वो भी गलत था। और दूसरी बार अपनी स्वार्थ सिद्धि के लिए अंग्रेज़ को मूर्ख बनाया, वो भी गलत था। भाषा की बात, इस कहानी में लेखक ने जगह जगह पर सीधी सी बात कहने के बजाय रोचक मुहावरों, उदाहरणों आदि के द्वारा कहकर अपनी बात को और अधिक मज़ेदार यानी रोचक बना दिया। कहानी से वे वाक्य चुनकर लिखिए जो आपको सबसे अधिक मज़ेदार लगे। तो बच्चों, मुझे ये वाक्य मज़ेदार लगे, आपको कोई और लगे तो आप उनको लिख सकते हो या फिर मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बता सकते हो। जैसे अब तक बिलवासी जी को वे अपनी आँखों से खा चुके होते। कुछ ऐसी गठन उस लोटे की थी कि उसका बाप डमरू, माँ चिलम रही हो। 250 रुपये तो एक साथ आँख सेकने के लिए भी न मिलते हैं। तो लेखक ने एक साधारण सी बात को कुछ ऐसे मुहावरों या उदाहरणों के द्वारा बताया है। इस कहानी में लेखक ने अनेक मुहावरों का प्रयोग किया है जो कि हमने कहानी में पढ़ा था, और उन सबको आपको एक अलग से नोटबुक में लिखना भी है। कहानी में से 5 मुहावरे चुनकर उनका प्रयोग करते हुए वाक्य लिखिए। जैसे चारों खाने चित होना, जिसका अर्थ है बुरी तरह परास्त होना। राम सिंह पहलवान ने सुनील को मिनटों में चारों खाने चित कर दिया, यानी बुरी तरह से हरा दिया। दुम दबाकर भागना, डर कर भागना। पुलिस को देखते ही बदमाश दुम दबाकर भाग गए। काटो तो बदन में खून नहीं, जिसका अर्थ है बहुत डरा हुआ होना। अपने बगीचे में सांप को देखते ही कल्पना की हालत ऐसी हो गई जैसे काटो तो बदन में खून नहीं। चैन की नींद सोना, निश्चिंत होकर सोना। जैसे ही कनिका को पता चला कि परीक्षा ऑनलाइन ही होगी, वह चैन की नींद सो गई। कान पक जाना, बहुत अधिक परेशान होना। मेरे चचेरे भाई ने फालतू बातें कर करके आज तो मेरे कान ही पका दिए। ऐसे ही बच्चों, आपको कहानी में से एक मुहावरा मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताना है, जिसका अर्थ और वाक्य में प्रयोग करके बताना है। इस कहानी को एक बार फिर से पढ़ें व समझें। इस कहानी में आए सभी मुहावरों को लिखें। आपको किस प्रकार की चीज़ों को एकत्र करने का शौक है, तो ये बात आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बता सकते हो। सुझावों व सुधारों के लिए कमेंट बॉक्स में लिखें। अगर हमारे वीडियो बन ही रहे हैं आपके फेवरेट, तो फिर क्यों ना करें इनको लाइक, सब्सक्राइब और रिकमेंड। हमें और बेहतर बनाने के लिए आप कर सकते हैं कमेंट। धन्यवाद।